नमस्कार, उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड परिक्रमा में आज शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने शिक्षक दिवस की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। देहरादून विधानसभा में 5 सितंबर से 11 बजे मानसून सत्र शुरू हो गया। सदन की कार्रवाई के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सदन में 6 सितंबर को अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। इस सीट पर बीजेपी ने विधायक स्वर्गवासी चंदन रामदास की पत्नी पार्वती तो वहीं कांग्रेस ने बसंत कुमार को प्रत्याशी बनाया। इस बार ये मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बागेश्वर उपचुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने मतदान कर पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। विधानसभा के सभी 188 बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो हमारा सभी जगह मतदान स्टार्ट हो गया है, तो अभी 9 o'clock के जो 2 घंटे के मतदान की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कितना परसेंटेज अभी वोटिंग हुआ है। अभी कोई स्थिति ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी कहीं पर भी किसी भी बूथ पर कोई इशू नहीं है। सब जगह फ्लॉलेसली मतदान अच्छे से चल रहा है और यहाँ इस वाले बूथ पर जिस पर मैंने दिया है तो काफ़ी अच्छा टर्नआउट है। अभी तक 7% के आसपास टर्नआउट है, लगभग 639 यहाँ पर वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अभी तक हमारा लगभग 94 के आसपास वोटिंग हो चुका है। आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मानसून सत्र के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठ गए। विपक्ष सदन की अवधि छोटी रखने से नाराज हैं। विपक्ष का धरना नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में किया गया। सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन की कार्रवाई सिर्फ 3 दिन चलने पर निराशा व्यक्त की। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इस सत्र की अवधि मात्र 3 दिन की रखी गई है, जिससे सरकार की मंशा और नियत साफ तौर पर नजर आ रही है। अच्छा होता सरकार विधेयक लाती, सरकार कानून बनाती, सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में जाती और जो अतिक्रमण के नाम पर जिसको से उजाड़ने का प्रयास हो रहा है उस पर रोक लगाती तो ये लोकप्रिय सरकार कहलाती। लेकिन सरकार की नियत और सरकार की मंशा उचित नहीं, ठीक नहीं है। इसी को लेकर हमने सदन का सत्र को बढ़ाने का आग्रह किया है। कल भी हम इस मुद्दे को लेकर सदन में अपनी बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री सचिव विनय शंकर पांडे ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अहम जानकारी दी। विनय शंकर पांडे ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आगामी 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में डेंगू के प्रकोप को बढ़ते देख गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को तलब किया। सीएम ने विनय शंकर पांडे को शीघ्र सचिव स्वास्थ्य एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सड़क हादसे की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रही है, साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ग्रामीणों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो हमेशा आप अंदर की तरफ बच्चों को रखें, बच्चों को गाड़ी के पीछे भी खेलने न दें, लेकिन हेलमेट से आपकी जो है सिर की जो है सेफ्टी है, क्योंकि अगर सिर में चोट लग गई तो जीवित होने की संभावना कम हो जाती है। लक्सर के सुल्तानपुर में ड्रग व नारकोटिक टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सुल्तानपुर नगर पंचायत के सलाउद्दीन नाम के मेडिकल स्टोर संचालक को प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में बनी अवैध मजारों को तोड़ने पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जबरदस्ती कर रही है, सरकार सिर्फ मजार तोड़ सकती है, अगर हिम्मत है तो रुड़की में 50 मंदिर नहर पर बने हैं उन्हें तोड़ कर दिखाए। कह रहा हूँ पक्षपात पूर्ण रवैया है, अगर कहीं मजार है तो आप तोड़ रहे हैं, रुड़की में 50 मंदिर नहर पर बने हुए हैं तोड़ कर दिखा दो, तो मैं तो ऐसा पक्षपात पूर्ण कह रहा हूँ।
हरिद्वार में डेंगू के प्रकोप के चलते अस्पताल में मरीजों को खून की कमी पड़ रही है, जिसे देखते हुए हरिद्वार में वसुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन द्वारा नई पहल की शुरुआत कर महिला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। हम महिलाओं को ये बताना चाहते थे कि आप रक्तदान करके किस तरीके से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। इसकी हमने पिछले 2 महीने से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे, हमने बहुत जगह स्कूल कॉलेजेस में जाकर प्रेजेंटेशंस दी हैं, बहुत जगह पर जाके महिलाओं को इस चीज़ के बारे में समझाया है और आज हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बागेश्वर उपचुनाव में मतदाता भारी संख्या में मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 41% से ज्यादा मतदान हुआ। मतदान के लिए युवाओं के साथ ही बुजुर्गों में भी उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर बयान सामने आया। हाल ही में उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया था, जिसमें लिखा गया था कि गुलामी की मानसिकता पर एक और गहरी चोट। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है और हम बचपन से ही जो है भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं। भारत माता की जय घोष हमने बचपन से सीखा है, हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है। इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। तो आज के लिए उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।